नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक नए साल पर देवगुरु बृहस्पति और राहु 12 महीने में 6 महीने तक मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं, जिसके कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण होने जा रहा है। जब कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ किसी राशि या भाव में होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो कुंडली में चांडाल योग बनता है। इन दोनों के योग से गुरु चांडाल योग या चांडाल दोष बनता है, जो कुंडली में एक बड़ी विसंगति मानी जाती है। ये योग जीवन में विभिन्न सुख सुविधाओं और जीवन से आगे बढ़ने में कठिनाइयों की ओर ले जाता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी होता है और अपने जीवन में नकारात्मकता की ओर प्रवृत्त होता है। वह व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही जिसे धन कमाने की तीव्र इच्छा है, वह सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के व्यक्ति चरित्र हास का शिकार हो जाता है और कुछ परिस्थितियों में हिंसक और कट्टरवादी भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 23 अप्रैल 2022 को जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, राहु मेष राशि में पहले से विराजमान है। जब भी राहु और बृहस्पति की युति बनती है तो चांडाल योग का निर्माण होता है। जिनके जन्मांक से किसी भी भाव में चांडाल दोष बना हुआ है, उनके लिए 6 महीने बेहद सावधानी के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया के लिए चीज़ें ठीक नहीं दिख रही है। 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल रह सकती है, इसलिए शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको इस दौरान बेहद सावधानी रखनी चाहिए। कालपुरुष कुंडली के मुताबिक लग्न भाव में चांडाल योग बन रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है। देश दुनिया की बात करें तो कई जगहों पर प्रजा का विरोध सरकार को झेलना पड़ सकेगा। कई राष्ट्रों में सिविल वॉर भी हो सकता है। भारत में भी सरकारों का विरोध झेलना पड़ेगा। यूरोपीय देशों के लिए 2023 शुभ नहीं दिख रहा। महंगाई वैश्विक स्तर से बेतहाशा बढ़ सकती है। कई जगह आतंकी घटनाएं भी हो सकती है। चांडाल योग को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा। वास्तव में एक ऐसी पूजा जो गुरु चांडाल योग के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसलिए आप किसी योग्य ब्राह्मण से गुरु चांडाल योग शांति पूजा करवा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो आपके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गुरु जैसे लोगों को सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन केले के पेड़ लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए।